बैसाखी की राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भारत सरकार द्वारा बताई है। तो जो है भारत में बागवानी फसलों की संभावनाएं क्या क्या हैं, तो भारत में विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियाँ देश के विभिन्न भागों में सभी प्रकार के ताज़े फलों सब्जी और औषधीय पौधों के उत्पादन को सुनिश्चित करती हैं। तो लोगों में स्वास्थ्य चेतना बढ़ रही है और भारत में अधिकांश आबादी शाकाहारी है, परिणाम स्वरूप फलों और सब्जियों की मांग भी अधिक है। देश में मौजूदा मांग की तुलना में बागवानी वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी कम है, इसलिए अधिक बागवानी फसलों के उत्पादन करने के लिए एक बड़ी गुंजाइश है। देश में प्रमुख क्षेत्र केवल बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त है, तो जो हमारे देश में जो क्षेत्र हैं वो बागवानी के लिए बहुत अच्छे हैं। जो कुछ जगहें हम हैं वो जैसे कि आम, चाय, नारियल और सुपारी, क्योंकि वे गैर कृषि योग्य चट्टानी पथरी और दलदली लहरदार और ढाल वाले हैं। तो जो ऐसी जगहें हैं जो चट्टानी है, पथरीली है, दलदली है, तो ये बागवानी फसलों के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे आम, चाय, नारियल, सुपारी। और सिंचाई की सुविधा में वृद्धि हुई है, लेकिन ऐसी फसलें जो कम पानी में भी जीवित रह सकती हैं, इनके लिए केवल पर्याप्त जल प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा। तो जो ऐसी फसलें हैं जो जिनमें हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए हम पर्याप्त जल जो उनके लिए पर्याप्त हो ऐसी जल की प्रबंधन कर सकते हैं। कुछ सूखी भूमि बागवानी फसलें जैसे जामुन, बेर, इमली, बेल, शरीफ, रामफल आदि को बारिश वाली भूमि पर भी उगाया जा सकता है। अन्य देशों की तुलना में कृषि श्रम और अन्य कृषि इनपुट यहाँ बहुत सस्ते और आसानी से उपलब्ध है। हमारे देश में अगर देखा जाए तो दूसरे देशों से जो कृषि श्रम है वो और जो इनपुट है वो बहुत सस्ते भी और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जो उत्पादन की लागत को कम करते हैं और अधिक लाभ उत्पन्न करते हैं। बागवानी की फसलों के उच्च लाभ रिटर्न विभिन्न योजनाओं और वित्तीय सहायताओं के माध्यम से सहकारी सहायता के साथ बागवानी के प्रति अमीर और गरीब, प्रशिक्षित और शिक्षित लोगों को आकर्षित करता है। इससे बागवानी फसलों के उत्पादन में गहन तरीके और बेहतर प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। भंडारण और प्रसंस्करण विधियों के बारे में जागरूकता से उपज, नौकरी के अवसर और आय की उपलब्धता में भी वृद्धि होती है। अब हम आगे पढ़ने वाले बागवानी में रोजगार के अवसर, तो बागवानी में क्या क्या रोजगार के अवसर हैं। बागवानी उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के रोजगार प्रदान करता है। कई नौकरियों के लिए बागवानी में ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण का स्तर व्यवसायिक स्तर कॉलेज स्तर पर हो सकता है। काम की प्रकृति आंतरिक या बाहरी हो सकती है। कार्यालय में गहन मैनुअल श्रम और कागजी कार्रवाई शामिल हो सकती है। नौकरियों की निम्नलिखित चुनी गई श्रेणियां हैं जिनके लिए बागवानी के साथ अलग अलग डिग्री की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले नर्सरी प्रचलन, तो नर्सरी ऑपरेशन में क्या क्या जॉब होती हैं, तो नर्सरी मैनेजर की जॉब होती है जिसमें आप पूरी नर्सरी के कामों का निर्देशन करते हैं। प्रोपोगेटर गुणवत्ता रोपण सामग्री विकसित करता है। जो फील्ड सुपरवाइजर जो फील्ड वर्क की देख रेख करता है, योजनाएं बनाता है। प्लांट टेक्नीशियन सलाह देता है और पौधों की देखभाल का मार्गदर्शन करता है। विक्रेता पौध सामग्री के प्रचार और बिक्री का काम करता है। टर्फ घास प्रचलन, तो टर्फ घास होती है जो आर्टिफिशियल घास होती है, जो कारपेट में लगी होती है हरे कलर की घास जो रियल नहीं होती पर वो दिखने में एकदम असली जैसे होती है, उसको हम टर्फ घास बोलते हैं। तो लैंडस्केप टेक्नीशियन स्थापना और परिदृश्य का रखरखाव, तो ये लैंडस्केप जो टेक्नीशियन होता है उसका काम होता है कि वो कैसे टर्फ घास की स्थापना करता है और उसका परिदृश्य करता है। गोल्फ कोर्स आर्किटेक्ट, एक गोल्फ कोर्स डिज़ाइन जो उसको डिज़ाइन करता है। गोल्फ कोर्स सुपर रेटेड गोल्फ कोर्स के निर्माण और रखरखाव की निगरानी करता है। फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन, तो फार्म मैनेजर की जॉब होती है एक जिसमें बागवानी फार्म का प्रबंधन करता है, जो पूरे फार्म की देखरेख करता है। फसल उत्पादन सब्जी फल और फूल पैदा करता है। फ्लोरिस्ट का काम, तो फ्लोरिस्ट डिज़ाइन जो फूलों की रचनात्मक व्यवस्था करता है। स्टॉक प्रबंधन खेत की दुकान का प्रबंधन और देख रेख करता है। जो प्लांट रेटल सुपरवाइजर पौधों और गमलों को संभालता है और किराए पर फूलों की व्यवस्था करता है। एजुकेशन के सेक्टर में क्या क्या जॉब होती हैं, तो शिक्षक और प्रशिक्षक, तो औपचारिक और अनौपचारिक प्रणाली में बागवानी को जो सिखाता है, तो एक तो
वो होता है जो औपचारिक रूप से सिखाता है, पढ़ा लिखा होता है, डिग्री लेता है, प्रॉपर आपको स्कूल कॉलेज में बागवानी के बारे में सिखाएगा। और जो अनौपचारिक शिक्षा थी वो आपको कोई भी सिखा सकता है, जैसे आपके पापा ही हुए जो आपको खेती के बारे में, बागवानी के बारे में सिखाएंगे, या दोस्त हुए या कोई रिलेटिव हुए। और शोधकर्ता रिसर्चर, आप बागवानी में रिसर्चर बन सकते हैं, नए उत्पादन और किस्मों को विकसित कर सकते हैं। एक्सटेंशन विस्तार व्यक्ति, लोगों के बीच नवीन तकनीकों और विधियों को फैलाना। औद्योगिक, तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।